सुना क्वेश्चन चल रोल रोल जी फिल्म का नाम तो आप लोगों को पता ही है ब्रीड यानी पैदाइश और ये एक अलग हटके फिल्म बन रही है क्योंकि देखो इंसान जब पैदा होता है या वो लड़का होता है या वो लड़की होती है लेकिन इंसान जब पैदा होता है या नर या नारी बेटा या बेटी लेकिन ये ब्रीड जो है ये जिसे आप कह सकते हैं किन्नर और दूसरी जबान में हिजड़ा जिन्हें आप देखोगे अक्सर रोड पे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं शादियों में अक्सर वो आते हैं जिनके घर जब बच्चा पैदा हो जाता है तब वो डांस करते हैं तो और लोगों का ये भी कहना है कि इनकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए और आज मैं जो गाना पिक्चराइज कर रही हूँ इसकी ख़ास बात ये है कि ये गाना जावेद अली ने गाया है और उसे भी चैलेंज है और मुझे भी चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि एक लड़के की आवाज़ में एक किन्नर से मुझे डांस करवाना है और बहुत मुश्किल काम है कि वो जो एक्सप्रेशन है कि मैं रो रही हूँ तेरी याद में ये सब जो उससे करवाना है मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है और ये भी नहीं है कि इसके पीछे बैकग्राउंड डांसर है तो थोड़ा बहुत मुझे यू नो एक ग्रैंडर एक हैप्पीनेस और एक पिक्चराइज करने मज़ा आए यहाँ ये सिचुएशन है कि जिस लड़के को वो बॉबी यानी जो हीरोइन है बनी है इस फिल्म के जिसका नाम सकीना है शायद सकीना है हाँ शायद सकीना है और वो एक लड़के से मोहब्बत करती है और आज उसकी शादी में वो आकर एक मुजरा पेश करने वाली है जो मुजरा पहली बार इंडस्ट्री में होगा और मैं खुशकिस्मत हूँ इस बारे में कि मुझे एक जेंट्स के वॉइस से एक लेडीज़ का एक्सप्रेशन देना है और वो मैं बहुत बहुत दिल से और ख़ुशी से बॉबी पे पिक्चराइज करूँगी और मैं चाहूँगी कि ये फिल्म दुनिया के हर कोने कोने में रिलीज़ हो और अवार्ड तक ये नेशनल अवार्ड तक ये फिल्म जाए क्योंकि इस फिल्म का एंड बहुत अच्छा है कि जब इंसान पैदा होता है चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या जलाया जाता है या दफनाया जाता है लेकिन आज आपको मैं एक बात बता दूं जो शायद इन लोगों को भी नहीं पता था मैंने इनको बताया कि इनकी जो मौत होती है उसे ना जलाया जाता है ना दफनाया जाता है क्या होता है ये क्वेश्चन ही मार्क है तो मेरे दिल से ख्वाहिश है और दुआ है कि ये फिल्म सुपर हिट हो जाए थैंक यू मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये हम नहीं जानना चाहेंगे ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर होता क्या है उनका जब मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है उनके साथ या कहाँ उनको दफनाया जाता है उनका अंतिम क्या होता है उनका अंत क्या होता है यही कहना चाहते हैं आप मैं बहुत छोटी थी आप लोगों ने शायद सुना होगा एक टीकू टीकू करके एक किन्नर थे जिनके जिन्होंने एक बच्ची पाला था वो बच्ची भी मेरे घर में ही पल के बड़ी हुई टीकू जिनको महेश भट्ट ने उस फिल्म वो बनाई थी तमन्ना उस बच्ची का नाम तमन्ना है जब वो गुजरे तो वो दिल्ली में गुजरे और उन्होंने मेरी मम्मी का नाम लिया कि मेरी जो लाश होगी वो मेरी बीबी आपा मम्मी को कहते थे उन तक पहुँचाया जाए तो हम लोग मैं और मेरी मम्मी दिल्ली गए तो नहा कोई कब्रिस्तान क्योंकि वो मुसलमान थे उनका नाम शजाउद्दीन था तो कोई कब्रिस्तान वाले उन्हें नहीं ले रहे थे फिर बहुत मुश्किल से मम्मी ने बहुत कुछ समझा बुझा कर उनको दफना दिया गया लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चलता कि इन लोगों को आपने कभी भी देखा होगा आपने एक मुसलमान का जनाजा जाते देखा होगा एक हिंदू का जनाजा जाते हुए देखा होगा क्रिश्चियन का देखा होगा सिख का ईसाई का सबका देखा होगा लेकिन इनका जनाजा कभी कैसे जाता है मैंने ऐसा सुना है रात को बहुत पहर में उन लोग कहीं ले जाते हैं
कहीं कोने काने में ले जाके कुछ करते हैं, अगर वो मुसलमान है तो उसे कहीं दफना देते हैं, वो हिंदू है तो कहीं चुपके से, किसी को पता नहीं चलता है इसका अंत क्या है, मुझे आज तक नहीं पता। और मैं ये जानना चाहूँगी गवर्नमेंट से भी और इनकी संस्था से भी कि इनका अंत कैसे होता है और क्या होता है आखिर। आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि ये फिल्म बनाना चाहिए? मेरे मन में तो खैर ये सब्जेक्ट बचपन से मैं इन लोगों के साथ घिरी हूँ, मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि इन ऐसी कंपनी को घर में बिठाते थे, बातचीत करते थे, और ये वही हिसाब हुआ कि मेरे साथ भी बॉबी जब से मैंने एकेडमी खोली है डांस एकेडमी, तो मेरे पास आता था, सीखता था, मेरा स्टूडेंट है, तो आज वो फिल्म बना रहा है अपने ऊपर उसी की लाइफ स्टाइल पर। तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी आप मेरा ये गाना कर दीजिए और ये गाना मैं कर रही हूँ। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ऑडियंस के लिए मैसेज है कि मालिक किसी के घर में किन्नर ना हो, अगर वो पैदा हो गया है तो आप उसे वही सम्मान दें जो आप अपने बेटे बेटी को देते हैं, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पे खड़े होके